Understanding clear clearly how many questions uh, So the first question is what is the angular velocity? What is the angular velocity in radian per second of the hour? एंड मिनिट हैंड ऑफ अ क्लॉक चलिए बताइए कर सकते हैं सॉल्व मैं करूं जल्दी बताना टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है बताइए so, यहां पर क्या पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा अरे जहां से शुरू होगा वहीं पे खत्म होगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा जीरो तो वेलोसिटी कहां मिलने वाली है आपको अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड वो निकाल के बताइए अब आप एंगुलर स्पीड चलिए फाइंड कीजिए सभी एंगुलर स्पीड ऑफ आवर एंड तो पहली चीज की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मतलब कितना घूमेगा वो टू पाई घूमेगा वो आवर एंड और कितने टाइम में घूमेगा तो टोटल टाइम लगेगा ट्वेल्व आवर्स सिक्सटी मिनट एंड सिक्सटी सेकेंड सही है कि नहीं सही है यस, yes, 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 क्या हो जाएगा टू सिक्स पाइप है टू वन सिक्स डबल जीरो रेडियम पर सेकेंड ये आ गया अवर एंड के लिए एंड अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, बराबर अब समझिए आप यहां पर एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनिट हैंड निकालना है तो रोटेशन कितना होगा रोटेशन तो टू पाई होगा और कितने टाइम में होगा ये बताइए मिनट हैंड का रोटेशन कितने टाइम में होता है यस यस और नो सर एंड सेकेंड कितना आएगा सिक्सटी तो ये हो जाएगा सिक्सटी इन थर्टी तो पाई बाड रेडियन सेकेंड इनवर्स बोलो क्लियर है यहां तक यस यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब वेल इज पॉइंट सिक्स जीरो मीटर इन रेडियस ंग विद स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड फाइंड द एंगुलर स्पीड चलो अब फाइंड करके बताइए सभी फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे चलिए स्टार्ट कीजिए ठीक है एंड वेलोसिटी द स्पीड कितना है टेन मीटर पर सेकंड गिवन है फाइंड फाइंड स्पीड स्पीड करने तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन सेकंड इनवर्स इज द आंसर कितने लोगों का आंसर आया है ये जरा बताइए मेरे को कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है सॉल कीजिए इस क्वेश्चन को क्या सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है यस सर स्क्रीनशॉट ले लो yes, स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ले लिया यस सर वन मिनट का टाइम है वन मिनट के बाद आंसर देना शुरू कर देना फटाफट से सब सबकी पेन चलनी चाहिए किया आपने उसको मीटर में तो ये हो गया आपका थाउजेंड मीटर स्पीड आपको गिवन है नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड के अंदर ठीक है ये कैंसिल होगा एटीन फाइव जा फाइव फिफ्टी तो ये हो जाएगा टू फिफ्टी मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा जाए सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेशन बी बाय आर करके आप निकाल सकते हैं तो टू फिफ्टी By R, R कितना है आपके पास में है 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 ये ठीक ये ये ठीक का square, 625, 625 by 10, तो meter per second square, आपका ये, acceleration आ जाता है।, है उसके बाद में ए बाई जी का रिलेशन हम निकालते हैं तो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट करते हैं जो भी आएगा उसको हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द ग्रेविटी बात आई समझ में एक्सेलरेशन कि कितना आ रहा है बाय आप लिख सकते हैं यहां पे एक्सेलरेशन इज सिक्स पॉइंट थ्री एट टाइम्स ऑफ जी क्लियर है यस यस सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइट टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रोलड राउंड इन अ सर्कल रेडियस 1.5 मीटर विद स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन रोल अराउंड इफ द स्ट्रिंग विस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन क्वेश्चन रीड करो सभी लोग एंड उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो इसे क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने किए हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए स्टार्ट सॉल्विंग सुनो एक काम करो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ना क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस लाता हूं ये जो पॉइंट टू फाइव के है इसको आप कर दो पॉइंट थ्री के डेटा चेंज कर रहा हूं और यहां पर जो सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर है इसको आप कर दो वन वन मीटर ठीक है बाकी सब सेम जाने दो अब सॉल्व सोल्व sure. बोलो 1.5 से कर लिया कर लिया तो कोई बात नहीं आंसर आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है tied to the end of a string rolled around in a circle of radius 1 meter so radius kitna given hai aapko 1 meter given hai theek hai with a speed of 40 revolution per minute अब 40 revolution per minute का मतलब ये हो गया कि ये आपकी एक तरीके से frequency आ गई 40 तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो तो 40 ये बायर टू बाय थ्री रिवॉल्यूशन पर सेकंड ठीक है वॉट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग तो आपको पूछा गया है टेंशन कितना लग रहा है स्ट्रिंग में व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैलबी स्ट्रिंग कैन विथ स्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ टू हंड्रेड न्यूटन मतलब कि टेंशन कितने टू हंड्रेड न्यूटन तक लग सकता है टू हंड्रेड न्यूटन मतलब दो सौ न्यूटन टेंशन लगेगा तब तक आपकी जो स्ट्रिंग है वो घूमती रहेगी वो टूटने वाली नहीं है उतनी उसकी कैपेसिटी है ठीक है तो सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है वो है टेंशन अब टेंशन निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मुला है एम वी स्क्र बायर बिकॉज़ वो सेंटर लगता है कंडीशन क्या है कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये हमने और यहां पे बॉल है और ये घूम रहा है ठीक है टेंशन कहां लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा राइट right? और टेंशन जब द सेंटर लग रहा है तो इसके सेंटर की तरफ एक्सिलेशन भी लग रहा होता है तो उस कंडीशन में टेंशन कितना आएगा एम बी बायर दूसरा अगर हम देखें हमारे पास वी नहीं है लेकिन हम ओमेगा निकाल सकते हैं कहां से निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास में ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई न्यू ये फॉर्मूला है और न्यू बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तो हम लिख सकते हैं टू पाई इंटू न्यू न्यू वैल्यू कितना है यहाँ पे टू बाय थ्री कितना है टू बाय थ्री तो ये हो जाएगा, 4 3, ये आपकी स्पीड आ गई एंगुलर स्पीड तो यहां पर जो एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा है उसकी जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वा क्या अप्लाई कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वा मास ऑलरेडी आपको गिवन है कितना है 0.3 kg ओमेगा आपको गिवन है 4 पाई बाय 3 ये हमने निकाल लिया और आर इसका होल स्क्वायर करना है और आर इज द रेडियस तो रेडियस कितना है 1 मीटर है ठीक है तो ये हो जाएगा 0.3 4 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर मतलब 16 पाई स्क्वायर बाय 9 कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर बाई नाइन तो ये आपका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करेंगे आप उसके बाद आएगा फाइव पॉइंट समथिंग ये आपका आ गया टेंशन ये क्या आ गया आपका टेंशन आ गया ठीक है आफ्टर दिस आपसे पूछा जा रहा है वी मैक्सिमम कितनी होगी सो लेट्स फाइंड वी मैक्सिमम लेट्स फाइंड मैक्सिम स्पीडन टू हंड्रेड न्यूटन मैक्सिम कितना है? 200 तक वो लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे पास हम जानते हैं कि टेंशन टू एम वी स्क्र बाई आर फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हैं राइट वी मैक्स हमें निकालना है तो वी मैक्स इज इकोल टू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टी m एम बायर सॉरी टी इंटू आर बाय ठीक है तो टेंशन कितना है टेंशन है 200, रेडियस वन है मास कितना लग रहा है तो मास गिवन है आपको 0.3 थ्री के जी तो टू हंड्रेड बाय पॉइंट थ्री आप करो तो अंडर 200 आप करके देखो आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड बोलो आई बात समझ में यस यस सर बताओ Sister. किस किस को समझ में नहीं आया किस किस को समझ में नहीं आया है क्लियरिटी है सभी को यस यस सर सर चलो ठीक है बढ़िया है क्लियरिटी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो स्नेहा क्वेश्चन रीड करो यस yes, सर

इसका कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं ये आपको पता होना चाहिए ठीक है कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं मैं इसका मतलब क्वेश्चन आपसे होना चाहिए चलो सॉल्व करो इसे समझिए यहां पर साइक्लिनिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी 20 सेंटीमीटर सॉरी ट्वेंटी सेवन किलोमीटर पर आवर से मतलब उसकी जो स्पीड है वो किस रफ्तार से कम की जा रही है पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कम की जा रही है मतलब की एक्सेरेशन जो की रिटार्ड हो रहा है मतलब उसे हम कहेंगे रिटार ठीक है तो सबसे पहले तो v आपको गिवन है ट्वेंटी सेवन किलोमीटर पर आवर दूसरा गिवन है रेडियस विच इज एटी मीटर तीसरा गिवन है एक्सेलरेशन विच इज वी कैन से रिटार्डेशन मतलब कि डी एक्सेलरेशन ठीक है माइनस पॉइंट फाइव जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको। तो सबसे पहले नेट एक्सलेशन निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सेलेशन कौन कौन से लग रहे हैं तो एक तो सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो एक्सेलेशन है वो कितना है तो देखो ए सी इज इक्वल्स टू सेंटर की तरफ जो लगने वाला एक्सेलरेशन है ए सी इज इक्वल क्या लिख सकते हैं वी स्क्वेयर बाय आर अब वी कितना है 27 किलोमीटर पर आवर है तो सबसे पहले वी इज इक्वल जो 27 किलोमीटर पर आवर है इसे हम कन्वर्ट करेंगे 5 बाई एटीन इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन 7.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो एक्सेलरेशन, विच इज टूअर्स द सेंटर, तो v स्क्वायर बाय आर, तो v का वैल्यू है 7.5 इनटू 7.5 और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 80 मीटर, तो ये डिवीजन डिवाइड बाय 80, ठीक है? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स ये आ गया आपका centripetal acceleration क्लियर है यहां तक अब ये जो centripetal acceleration है बेटा ये कहां एक्ट कर रहा है तो देखो ये एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ कुछ ऐसे जा रहा है तो रिटार्डेशन जब हुआ होगा तो रिटार्डेशन किस तरफ होगा जहां अगर वेलोसिटी v से ऑब्जेक्ट साइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में चला रहा है साइकिलिस्ट तो एक्सेलरेशन जो रिटार्ड हो रहा है मतलब जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए यस और नो मतलब ये तो आपका सेंटिपिटल एक्सेलरेशन आ गया और जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा तो रिटार्डेशन आएगा इस डायरेक्शन में यस और नो यस तो ये जो रिटार्डेशन आएगा इसे हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बिकॉज वो एक टेंजेंट बना रहा है और क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जहां पर हमने और टेंजेंशियल के बारे में बात की गई हो और वहां से हमने नेट एक्सेलरेशन निकाला हो हमने ऐसा कुछ कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा था यस yes? yes, sure. तो यहां पर हमें नेट एक्सिलेशन मिलेगा यहां पे ये यह आपका नेट एक्सिलरेशन आ जाएगा तो नेट एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो देखो वी कैन राइट नेट एक्सेलेरेशन इज अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है तो वो आ गया पॉइंट सेवन और टेंजेंशियल वो कितना आएगा तो ये देखो रिटार्डेशन आ रहा है माइनस पॉइंट फाइव तो टेंजेंशियल आ जाएगा मीटर स्क्वायर लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक कर रहा है राइट right? तो हमने यहाँ पे ले लिया माइनस पॉइंट फाइव का स्क्वायर प्लस पॉइंट फाइव का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट फोर नाइन और ये हो जाएगा पॉइंट टू फाइव तो ये हो जाएगा, जाएगा? पॉइंट सेवन फोर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पॉइंट सेवन फोर पॉइंट सेवन फोर का आप निकाल लीजिए तो ये आ, आ जाएगा पॉइंट एट सिक्स मीटर सेकेंड नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा ये क्या आ गया नेट एक्सेलरेशन अब आपसे पूछा क्या क्या है ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट तो डायरेक्शन मतलब अगर हम यहां पर थीटा बनाएं अगर हमने यहाँ पे थीटा बनाया तो थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा इज इक्व परपेंडिकुलर पॉन बेस तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा ए और बेस क्या आ जाएगा ए तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्व परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर के लिए हम लिख सकते हैं ए और बेस के लिए हम लिख सकते हैं ए तो ए मतलब कि सेंटिपिटल एक्सलेशन कितना है पॉइंट और टेंजेंशियल कितना है तो पॉइंट 5 तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1.4 आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1.4 तो थीटा की वैल्यू आप यहां से अब निकाल सकते हो 0.7 0.5 करना जरा कितना आ रहा है सही है 1.5 ही आएगा ठीक है अब यहां से थीटा की वैल्यू आप लेकर पुट कर सकते हो समझ में आया तो थीटा की वैल्यू आएगी 54 डिग्री समथिंग बोलो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं पहले वो बताओ देखो कैलकुलेशन ऐसा है जो आप कर सकते हो बिकॉज कैलकुलेशन के लिए आपको वैल्यूज ऐसी दी जाएंगी कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या एंगल बनेगा लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन अगर निकालनी है तो कैसे निकालनी है मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकालना है क्या ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है आप सभी को? येस yes, सर। कोई डाउट yes, sir. है किसी को? नो सर। देखो sir. पहले ही बताता हूँ डाउट्स क्लियर किया करो। हाँ बोलो बेटा। सर ये एटी और बी जो लिया है ना। हम्म। वो समझ में नहीं आ रहा वो वो नहीं समझ आ रहा। जैसे मान लो। मान लो कि रुको इससे नहीं आएगा समझ में मान लो तुम पे साइकिल चला रही हो सपोज ठीक है तुम यहां पर हो दिख रहा है सर yes, अब तुम साइकिल चला रही हो तो साइकिल तुम कैसे चलाओगी ऐसे जाएगी साइकिल ऐसे, और yes ठीक, no? yes, hmm. तो तुम्हारी जो velocity है वो किस में, में, में इसी direction में, जिस direction में तुम जा रही हो, hmm. तो yes, तुम sir. जो ब्रेक लगाओगी साइकिल को तो ब्रेक के वजह से जो रिटार्डेशन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन hmm. में होगा कि उसी डायरेक्शन में आएगा opposite. तभी तो ब्रेक लगेगी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगता है उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं तो रिटार्डेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी समझ में आया यस yes, सर yes, अब क्लियर है हाँ सर अब बताइए और किसी को कोई डाउट है इसमें एनी वन हैज एनी डाउट इन दिस नो नो सर सर